की नाम है तो? मेरा नाम जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की होया? मेरे ये गल हुई जी भी जो मैं बच्चे इन्होंने सट्टा मारतिया मेरे छोटे भाई दे बड़े भाई दे इन्होंने जी इन्हों का सीगा पिंड अपने गली दे ब्याह किसी कुड़ी का उन्होंने जो कुड़ी के ब्याह दे डीजे लगे हुए थे इन्हों का कोई जाति होगा आपसा डीजे डूजे तो कितने गीता गूता तो हो गई होनी प्रॉब्लम किसी की इन्हों की कुड़ी वाली उन्होंने जान चक करते करते पिछे डक खा पी के नशा पला जिहड़ा गली च मिलता से उसे ठोक देंदे सी जिहड़ा गली च मिलता उसे ठोक देंदे सी। मेरा छोटा ब्रदर मेरे बच्चे की शादी सी उधरों आया सी 15 मिनट ही हो गए सी उन्हूं आए नूं आके जदों उन्हें देखिया भी मैं चलो लड़ाई हुंदी है मैं वेखा भी कौन किसी दे सट मार की गलबात हुंदी है भी कोई हो सकता भी कोई भी कोई बंदा ही बुढ़ी नूं कुटदा हो चल आपां छड़ा देंगे। उन्हें जदों बार खुल्लिया बार खोलण नहीं दिता नाल ही उन्होंने सिर च कापा छड़ता जदों नूं उहदे छड्या दो छड के नाल ही उन्हों नाली च इकट्ठा करता मुड़ के उदू बाद मेरा बड़ा ब्रदर से उदा ही वो की बार जो उन्हें बार खोलिया तो उहदे नाल भी इदा किया उहदे भी उहदे नाल दी नाल ही उन्होंने गंडासा चढ़ता है। फिर जो मैनू पता चला भी छोटे छोटे बच्चे मेरे जिहड़े ब्रदर की मेरे की डैथ हो गई अज उहदे छोटे छोटे बच्चे मेरी दूजी गली च घर आ मेरे को भज के गए डैडी डैडी मारता डैडी डैडी मारता मैं उस वक्त भज के आया जो वेख्या तो मेरा ब्रदर जमे खूनो खून होया पाया तो गुम उसका होया पाया ज्यों चक्या मैं आपका गड्डी ते बाया गड्डी ते बा के आपदी ते बागा पुराना हस्पताल दे विच जाण लगा सीगा ते रस्ते दे विच मेरा फिर पिछा करके उन्होंने गड्डी ला के मेरे मगर ते सानू स्टोरां कोले सानू फिर जाके घेरिया एक मेरी भरजाई सी छोटी जी दे घरों मुंडे की डैथ हो गई है एक मेरी वाइफ सीगी ते बाकी मेरे दोस्त सी दो ते जदों मेरे मारा ते मेरे मारिया बाबे ने ते शैंबर ते एक मुंडा हैगा दूजा गंजा तिना बंद ने मारिया दो बंदे अणपछाते आ कारण की रहा क्यों मारिया कारण जी मैनू ये नहीं पता लग्या भी मैं भी की कारण सी भी मैं आपदे भरा की मदद कर रहा सी के की कारण सी मैनू नहीं पता लग्या क्यों मारिया हैं भरा नूं क्यों मारिया भरा नूं जी देखो भरा नूं तां इन्ने विच ही मारता उन्होंने मारिया वो भी इन्हें बार खोलिया हो सकता लड़ाई करता साढ़े कोई मगर मारे ना कुछ उहदे कोले कुछ नहीं सी मिनट 15 ही हो गए उन्हूं मेरे घरों आए नूं सी साढ़े तकरीबन मेरे बड़े ब्रदर दे छोटे ब्रदर की तो डैथ ही हो गई मेरे मर गए एक उन्होंने मुंडा रिश्तेदार आया सी मेरे बड़े ब्रदर के वो मुंडे दे भी सट्टा लगिया हुई हाँ जी गले च गेट भन्ने उन्होंने दो घर के एक मुंडे के नाल जग्गा वो भी मुंडे से सट्टा मार के गए नहीं जी कोई जाति दुश्मनी नहीं वधिया हसते खेडते वधिया आ इलैक्शन मौके से सरपंच के वधिया सी गल्लां बातां करते बहुत वधिया चलते सीगे कोई सानू इहो जी प्रॉब्लम नहीं सी साडे डीजे दे आपस च लड़े डीजे वाले अपने आपस में ही लगे जी वो ये मामला है रात उत्थे कोई फंक्शन सी गुआंढियां दे घर जिथे दो मुंडिया की आपस में तकरार हुई थी इन्हां दे विच गुरप्रीत सिंह गिद्दी आ वो गया तो नाल पंज छे जने होर लै आए उन्हें लिया के तो जिद नाल उहदा बहस सही हुई सी उहदे फादर दे ते उहदे दो चाचियां दे सट्टा सुट्टा मारियां जिन्हां विच उहदा जिहड़ा एक चाचा है अवतार सिंह तारा उहदी डैथ अवतार सिंह दा सर कारण की रहा क्यों मारा गया मारन का कारण यही सी कि उत्थे शादी वाले घर दे विच उन्हां दा आपसी तकरार छोटी मोटी गल तो हो गया नहीं वो भतीजे नाल होया गुरसेवक सिंह नाल होया नहीं वो जो आए लड़न वास्ते तो उन्होंने आके तो फिर वो गुरसेवक सिंह के सामने मिलया नहीं तो उन्होंने लड़ाई जी उन्होंने इनू मारना कुटना शुरू कर दिता अवतार सिंह जिदे मौत हो गई नहीं पहला नहीं कोई लड़ाई चक्कर डीजे के उत्तों इन्हें बंद कर दिता जो अमृतक का भतीजा उन्हें बंद कर दिता सी ते वो कहिंदे भी तू सानू वेख के बंद किया पर उन्हें लेट नाइट फोन करके 9:30 बंद कर दिता सी बस इन्ना कि चक्कर कार्रवाई 302 का मुकदमा दर्ज कर दिता 6 जने नहीं अजे तक नहीं हुई अरैसट करने की हर कोशिश संभव कोशिश जारी है जख्मी वो ठीक है सर।
ਸਰਪਜੀਤ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਰਪਜੀਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਜੇਠ ਮੇਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਾਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਂਹ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਗੜਾਸੇ ਮਾਰੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੈਂਬਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਦੂਜਾ ਗਿੰਦੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਵੇਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਉਹ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਹੀ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ। ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ? ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਸ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਾਂਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇ। ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਓ। ਸੱਤ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਣ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰੋ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋਮੈਕਸ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫਦਾ ਵੇਖੋ। 7082844950। ਪੰਡਿਤ ਐਮ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਪੰਡਿਤ ਐਮ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾਓ ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ। ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 97793995।